एलिस इन वंडरलैंड का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। वन डे, एक दिन एलिस वॉज लेइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर्स रीडिंग ए बुक। यानी कि एक दिन क्या थी, एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन की किताब की कहानी वह पढ़ रही थी। सडनली उसी क्षण ही सॉ ए लिटिल व्हाइट रैबिट स्क्रैम्पल्स बाय, यानी कि उसी क्षण वह देखी कि एक छोटा सा रैबिट यानी कि उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग द ब्लू कोट, यानी कि उस रैबिट की आँख पिंक थे और वो क्या था, वो ब्लू रंग के कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, यानी कि अब वो कोट के पॉकेट से क्या किया, एक घड़ी निकाला। एंड एज सी ही हर्रीड अवे, यानी कि वो बहुत ही क्या था, हर्रीड यानी जल्दबाजी में था। ही सेड, उसने कहा, ओह डियर आई विल बी टू लेट, यानी कि प्रिय बच्ची मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। शी थॉट देयर वॉज समथिंग्स वेरी डिफिकल्ट अबाउट दिस रैबिट, यानी कि वो सोची कि यानी कि यह रैबिट क्या है, बहुत ही विचित्र सा है। आई इट कुड टॉक, यानी कि यह बात भी कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट्स कैरीज ए वॉच, यानी कि वो क्या है, वे रेड कोट पहना हुआ है और उसके पास एक घड़ी भी है। एलिस वंडर्ड, ऐसा एलिस यानी कि इसको देखकर वो काफ़ी चकित हो गई। ए टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, यानी कि एक खरगोश जो कोट पहना हुआ है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, यानी कि जो एलिस थी ना वो अपने मन ही मन जिज्ञासा से जल, यानी कि जिज्ञासा से वो भर रही थी। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, इसलिए वो उजले खरगोश को क्या करने लगी, वो उसका पीछा वो करने लगी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, यानी कि खरगोश क्या था, खरगोश दौड़ लगा रहा था और एलिस उसका पीछा कर रही थी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल, यानी कि एकाएक जो रैबिट है ना वो विशाल क्या छेद में वो कूद गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट हॉल टू, एलिस भी उस छेद में गिर गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, यानी कि वो रैबिट है ना वो नीचे 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 की ओर गिरता हुआ चला गया अपने बिल में। एलिस से डल आउट, एलिस बहुत चीखती हुई बोलती है, वेयर एम आई, अब मैं कहाँ पर हूँ, हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, यानी कि मैं कितना किलोमीटर अंतर तक गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मैं पृथ्वी की केंद्र के पास आ गई हूँ। सी वंडर्ड, यानी कि वह क्या था, वह अचंभित थी। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं फिसल कर पृथ्वी के दूसरी ओर आ गई हूँ। ट्रम्प, अब धड़ाम से आवाज आती है। एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, यानी कि एलिस सूखी पत्तियों के ढेर के ऊपर गिरती है। सी लुक्ड अराउंड, यानी कि वो चारों ओर देखती है। क्विकली एंड सडनली शो द वाइट रैबिट अगेन, यानी कि वो क्या, वो एक वो उजले खरगोश को वो फिर अचानक से देखती है। यानी कि इट डिसअपीयर्ड सेइंग, यानी कि वो कहते हुए गायब हो गया। ओह माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, यानी कि मैं कितना लेट हो चुका हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सो ए स्मॉल डोर, एलिस उठ खड़ी हो गई और एक छोटे से दरवाजे को देखती है। ऑफ एंड 15 इंचेस हाइट, उसकी तकरीबन 15 इंच क्या थी ऊंचाई थी उस दरवाजे की। इट वॉज टू ए स्मॉल टू गो फॉर गो थ्रू, यानी कि वो इतना छोटा था कि वो उसके अंदर नहीं जा सकती थी। शी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन, यानी कि वो उसके अंदर देखती है तो एक ग्लास का टेबल लगा था विथ अ गोल्डन की, और उसमें क्या था, एक सोने की चाबी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, यानी कि वह सुनहरे रंग के चाबी को उस ताले में डालने की कोशिश की। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, यानी कि वह इस यह देखकर आनंदित हो गई कि वह जो चाबी है ना वो उसमें लग गया। एलिस ओपेंड द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, यानी कि एलिस उस दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर एक प्यारा सा बगीचा होता है। ही हैड इवन सीन, यानी कि ऐसा बगीचा वो अभी तक नहीं देखी। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमोंग दोस बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर, यानी कि वो क्या थी,
वह इसका इंतजार कर रही थी कि ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर का बेड कितना चमकदार था और इसमें कितने प्यारे झरने थे, यानी कि वो इंतजार कर रही थी कि ये जो दरवाजा है ना और बड़ा हो सके और वो उसके अंदर जा सके। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हियर थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उसके जो दरवाजा था ना, उस दरवाजे में उसका सर ही केवल जा पा रहा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, यानी कि मैं आशा करती हूँ कि मैं क्या हो जाए, मैं छोटी हो जाए, यानी कि मेरी यह कामना है कि मैं छोटी बन जाऊँ। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो यानी कि वह तेजी से खुशीपूर्वक चिल्लाती है। ये जो कहानी है एलिस इन वंडरलैंड से लिया गया है, इसके लेखक है लुइस कैरोल। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।